हेलो, सबको नमस्ते। हेलो, आ रही है सर आवाज। जी। अब आप लोग के मन में कुछ सवाल हो तो कर सकते हैं, नहीं तो अगले दिन फिर हम लोग दूसरे इक्विपमेंट में चलेंगे। ये जो सर लगाते हाँ हैं ट्रैक को ड्रिल करके लगाते हैं ना, हाँ अभी देखिए, दो सिस्टम है हमारे पास। आपका मेधा तो अभी तक ट्रैक ड्रिल से ही लगा रहा है मुझे लगता है, बाकी धीरे धीरे चेंज कर रहे हैं, क्योंकि अभी रेलवे बोर्ड की एक गाइडलाइन है, वो बोल रहा है कि हमारे रेल में होल नहीं, क्योंकि जब से वो रेल तो वो लोग LWR लगा रहा है, लॉन्ग वेल्डेड रेल। जहाँ पर भी रेल में होल करते हैं हम लोग, यहाँ पे हेयर क्रैक या फ्रैक्चर आने की संभावना अधिक रहती है। तो रेलवे बोर्ड की गाइडलाइन है कि हम रेल में होल ना करें। तो अभी भी जो पुराने सेल का इक्विपमेंट आ रहा है या मेधा का आ रहा है, जीजीट्रॉनिक्स, ये होल करके ही लगा रहा है। बट अभी देखिए, जैसे कि आपका फ्रॉजर ला रहा है, अल्ट प्रो ला रहा है, अल्डाइन का भी जो एमएस डेक आया है, अब वहाँ होल की ज़रूरत नहीं है। वो क्या करता है, क्लैंप देता है, क्लॉ टाइप का लगाता है, वो क्लैंप के साथ में उसको टाइट कर रहा है। इसलिए दोनों दोनों टाइप के इक्विपमेंट आपके आ गए हैं। हो सकता है कुछ दिन में आपका मेधा भी चेंज कर देगा। इसमें क्या है, जो होल लगा रहा है उसको सिर्फ अंदर से एक लगाना है, क्लैंप बनाना है, वो नीचे साइड से लगा के क्लैंप लगा के टाइट कर दिया जाता है, और वो भी बहुत क्लैंप परफेक्ट है। वायरलेस हो गया। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो जस्ट लाइक वैसा ही है। वो इतनी रिजिड है, स्ट्रक्चर इतना रिजिड बनाया है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है वाइब्रेशन का। हाँ, अब नट बोल्ट ही है, सब साल 2 साल तक मेंटेनेंस वाले देखना छोड़ देंगे तो गड़बड़ होगा ही होगा। हमारा तो मेंटेनेंस शेड्यूल भी है ना, महीने में एक बार जाके सारे नट बोल्ट को चेक करना है या 2 महीना में करना है, बट एकदम छोड़ देगा तो गड़बड़ है। बट ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उसकी जो रिजिडिटी है, जो बनाने का डिज़ाइन है, दैट इज़ वेरी गुड। वो बोल्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। बोल्ट का प्रॉब्लम है, ऐसे भी हम लोग भी प्रैक्टिकल देखते हैं कि जितने जगह सेक्शन में रेल फ्रैक्चर होते हैं, वहाँ पे वो होल का बहुत बड़ा डिमेरिट है। उसके होल होने से क्या आता है ना, रेलवे में वो एयर गैप आता है जो दिखता नहीं है, और एयर गैप रेलवे की जो क्रैक होती है रेल, मैक्सिमम कहीं पर आपने होल किया यहाँ पे, तो किसी कारण से यहाँ पे हल्का एयर गैप आया। इस एयर गैप के कारण रस्ट बनना शुरू होता है, और धीरे 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 वो भीतर भीतर पता नहीं चलता है। बहुत बार ये अल्ट्रासाउंड, जो उसकी अल्ट्रासोनोग्राफ सोनिक है, जो एक मशीन लेके वो चलते हैं, जिसको वो क्या बोलते हैं, वो देखे, उसके दो टाइप की होती है, एक तो USFD होती है, अल्ट्रासोनिक फ्रैक्चर डिवाइस, वो ट्रेन में लेके जाता है, और एक और उसकी छोटा मशीन भी है जो पीवे वाले लेके घूमते रहते हैं लाइन में, उसमें भी सेम उसी तरह की जाती है। तो बहुत बार ये एयर गैप को वो लोग नहीं पकड़ पाता है, जो पकड़ लिया तो फिर ये दागे दिया, रेल चेंज होगी, नहीं पकड़ाया तो यहीं पर रेल फ्रैक्चर होगा। जब रेल फ्रैक्चर होगा तब दिखेगा कि जो टुकड़ा है, टुकड़ा के अंदर में ब्लैक स्पॉट है, यानी ये रेल अंदर ही अंदर ब्रेकेज हो चुकी थी। तो इसलिए हमारा भी जो हम सिग्नलिंग वाले ट्रैक सर्किट के लिए जो ट्रैक ग्लूड वगैरह में यहाँ पे इतने सारे होल करते हैं, दैट इज ऑल्सो काउज ऑफ हेयर फ्रैक्चर, वहाँ भी प्रॉब्लम आता है। तो धीरे धीरे अब ये आ रहा है सिस्टम कि हम अभी ट्रैक्शन वाले को भी बोला है, TRD वाले को, आप जो बॉन्ड लगाएंगे भाया क्लैम्प, उसको भी सिंपल दिया गया है डिज़ाइन कि आप क्लैंप से ही बोल्ड लगाइए, आपको भी होल नहीं करना है। तो आगे चल के कुछ समय लगेगा, इम्प्लीमेंट ये भी हो जाएगा कि रेल को होल लेस बनाना है। रेलवे ट्रैक की होल अगर होगी तो वो फिर 250-300 किलोमीटर के स्पीड से चलने लायक ट्रैक नहीं रहेगा, तो विदाउट होल रहेगी पूरी की पूरी ट्रैक। ओके, और कुछ मन में छोटे मोटे सवाल? चलिए बढ़िया है, नहीं तो फिर जो स्ट्राइक पे जो बैठता है इक्विपमेंट उसमें पानी पानी घुसने का या कुछ ऐसे अब होने से। नहीं, देखिए पहले तो पानी घुसने से दिक्कत होगा, बट पानी घुसेगा क्यों, आपका जहाँ इक्विपमेंट लगाते हैं वहाँ हम एक 22,000 का अलमीरा देते हैं, आपको मालूम है, जिसका नाम है लोकेशन बॉक्स। इसकी कॉस्ट 22,000 है। ये लोहे का बना हुआ इतना बढ़िया बक्सा है कि इसके अंदर कितनों पानी डाल दीजिए, इतना बढ़िया डिजाइन है कि वाटर जाने की संभावना ही नहीं है, इसके अंदर पानी नहीं जा पाता है। अच्छे गुड क्वालिटी की क्वालिटी के लोहे की बनी होती है। उसके बाद भी अगर गड़बड़ है तो आप इसको पीरियडिकली रिप्लेस भी कर सकते हैं। ये दो साइज का आता है, फुल साइज एंड हाफ साइज। तो अब इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है आपके, अगर उसमें पानी जाएगा तो गड़बड़ होगा ही होगा, कोशिश नहीं। अल्डाइन है, अल्डाइन देखिए अपना मशरूम बॉक्स बनाता है बाहर वाले इक्विपमेंट के लिए, उस डिज़ाइन से मशरूम बॉक्स बनाया है कि कितनों कुछ आ जाए उसके अंदर पानी घुसेगा ही नहीं घुसा, गैसकेट वगैरह लगा के टाइट रहते हैं। तो सबका अपना अपना डिज़ाइन है। अभी तो ब्राउजर वगैरह का आउटडोर इक्विपमेंट है नहीं, अल्ट प्रो, अल्ट प्रो ने दो कार्ड बाहर रखे हैं, तो उसका भी जो बाहर का वो कैबिनेट है, दैट इज़ वेरी रिजिड और
ऐसा ही कि बाहर के वेदर से उसको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है जब तक कोई हैमर वगैरह लगा के तोड़ नहीं देता है। तो ये सिस्टम तो अपना सिस्टम है, आपके यहाँ ऐसा कुछ नहीं। तो आपके लिए हम लोकेशन बॉक्स देते हैं, सेल वाले के लिए लोकेशन बॉक्स देते हैं, जीजी ट्रॉनिक्स वाले को हम लोकेशन बॉक्स देते हैं, तो सबको अपना अपना डिजाइन है। ठीक है, चलिए फिर, तो शुभ रात्रि, कल मिलते हैं। जी बोलिए बोलिए। सर आप कई कई फ्लैश सर्विस करते हैं, कई एक्सल फंडर यूज करते हैं सर, हर जगह सर एक्सल फंडर क्यों यूज कर सकते हैं सर? पैसा मनी मैटर, फाइनली मनी मैटर है। देखिए दो चीज़ें हैं, ट्रैक सर्किट ओल्ड प्रेप मतलब डिजाइन है, मतलब जो पहले से आ रहा है हमारे पास। इसके बाद आया एक्सेल काउंटर, एक्सेल काउंटर में 2DP 3DP 4DP आया। अभी हमारे पास MS डॉक है, एक MS डॉक लगाने का खर्च पड़ जाता है ऑलमोस्ट, अगर एक यार्ड में 28 DP लगाएंगे तो 2 करोड़ के आसपास, 28 DP 32 DP 28 ट्रैक सेक्शन 2 करोड़ के आसपास। सेम 38 2DP या 28 ट्रैक सेक्शन ट्रैक सर्किट बनाएंगे तो कितना खर्चा पड़ेगा? एक ट्रैक सर्किट का कॉस्ट मान लीजिए लगभग वही 10 से 20 हज़ार, 20 हज़ार मान के चलिए, तो 20,000 × 30 कर दीजिए 6 लाख, 6 लाख में आपके 30 ट्रैक सर्किट बन जा रहे हैं, और ये 30 ट्रैक सर्किट बनाने के लिए आपको 2 करोड़ रुपये के MS डेक लगाना पड़ रहा है, तो कॉस्ट इफेक्टिव भी है। उसके बाद ट्रैक सर्किट के मेंटेनेंस लो, बहुत अधिक खर्च नहीं है। MS डेक की मेंटेनेंस AMC ARC फलना चिलना 5 लाख रुपये सालाना और देना है। तो बट अभी रेलवे प्रिफेयर कर रही है कि हम सब जगह सेक्शन विथ MS डेक ही बनाएंगे, अब जितने भी EI विथ MS डेक होगा। अभी तो बहुत कम जगह है जो कि हम ट्रैक सर्किट लगा रहे हैं, बहुत कम, नहीं के बराबर, या बहुत जो बहुत एब्सोल्यूट लाइन है, यानी कि जहाँ पर ट्रेनें बहुत इम्पोर्टेंस नहीं है, जो बहुत नॉन इम्पोर्टेंट लाइन है, वहीं अब ट्रैक सर्किट लगाया जा रहा है। क्योंकि खर्च अभी तो रेलवे में पूंजी लगाने वाले की कमी नहीं है ना, बहुत पूंजी है रेलवे के लिए भी, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत पैसा है सरकार के पास, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे की कमी नहीं होगी। तो अब आपको सब MS डेक ही मिलेगा धीरे धीरे, पुराने सिस्टम में ट्रैक सर्किट थे, और इसमें कुछ कारण नहीं है, सिर्फ कॉस्ट इफेक्टिव इकोनॉमिकल, ठीक है, और कोई टेक्निकल कारण नहीं है। ओके ठीक है, शुभ रात्रि सबको, कल मिलते हैं फिर। ओके थैंक यू।